इसका फ्रेम आप चेक कर लेना कैसा आ रहा है, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से इसको सेट किया हुआ है। और सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे आप सब लोग, आप सब लोग ठीक ही होंगे एंड ऐसे अपने भाई को प्यार देते रहो। 1.1 के चल रहे हैं, जल्दी से 2 के करने हैं हमें, ठीक है, मिलजुल के साथ में रह के। और तो आज का जो व्लॉग है वो जो पिछली वाली व्लॉग थी जो उसमें चेस्ट माउंट पे हमने काम किया था और वीडियो बनाई थी, तो उसमें 22 के व्यूज़ चल रहे हैं अभी, ठीक है, और अच्छी चलती है। उसमें भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो उसके कमेंट देखते हुए मैंने आज ये वाला जो व्लॉग है वो बनाया। आज हम बनाएंगे साइकिल मोटो व्लॉग सेटअप विथ चेस्ट माउंट के साथ, ठीक है। और बहुत सारे साइकिलिस्ट जो हैं साइकिलिंग करते हैं जो उनके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो पूरा सेटअप भी पहनेंगे, हेलमेट ग्लव्स सब यहीं पे। फिर उसके बाद जब चेस्ट माउंट का सारा हो जाएगा फिर उसके बाद एक टेस्ट राइड लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ आपको चेस्ट माउंट में क्या क्या चीज़ होती हैं, क्या क्या नहीं, ठीक है। और ठीक है, तो सबसे पहले पहनेंगे हम साइकिलिंग हेलमेट, क्योंकि हेलमेट पहनना भाई बहुत ज़रूरी है साइकिलिंग के लिए। मोटो व्लॉग में सबसे पहले यही ज़रूरी चाहिए होता है एंड मैंने भी ये अभी परचेज़ किया है थोड़े टाइम पहले ही, तो पहले इसको पहन लेते हैं फिर, क्योंकि अभी टेस्ट राइड भी करनी है। तो सारा सेटअप हम पूरा ही करेंगे, इसलिए मोटो व्लॉग में ये भी बहुत ज़रूरी है, तो इसको पहनते हैं। और जितनी भी मैं चीज़ें बताऊँगा उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हेलमेट तो मैंने पहन लिया है और इसके प्राइस वाइज सब चेंज होते रहते हैं, मैंने सेल पे लिया था, तो आप ये लिंक जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे देख लेना एक बार। तो हेलमेट तो पहन लिया है, बाकी हमें चाहिए होगा ग्लव्स, और तो ग्लव्स भी पहनते हैं क्योंकि फीलिंग के साथ करो तभी मज़ा आता है। एंड आप भी जब राइड करोगे तो हर चीज़ होनी चाहिए आपके पास भी, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम बनाएंगे मोटर ब्लॉक सेटअप, एंड सेटअप की मतलब स्टार्टिंग हो चुकी है क्योंकि सेटअप में ये सब चीज़ें भी आती हैं, आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब हो चुका है रेडी। अब बात करते हैं हम अपने चेस्ट माउंट की, जो मतलब आपको शूट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। तो ये रहा चेस्ट माउंट जो हमें राइड करने में और अच्छी प्यारी सी वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। और आप भी इससे बहुत प्यारी प्यारी वीडियो शूट करें और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें या कहीं भी अच्छे से प्लेटफॉर्म पे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अच्छे लाइक सब्सक्राइबर मिलेंगे जैसे आप मुझे करने वाले हो। तो अब बात करते हैं इसकी। यह है चेस्ट माउंट और ये पड़ा था 353.99 का शायद, उस टाइम मैंने लिया था, बहुत टाइम हो चुका है। तो आप भी इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में वो भी चेक कर लेना। और इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है और इससे भी महंगे महंगे आते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इससे भी महंगा आपको लेना चाहिए, क्योंकि इससे काम हो जाता है। जब ये एक फ़ोन को कवर कर सकता है तो GoPro, तो अगर आपके पास GoPro है तो वो चीज़ तो बहुत मतलब इतनी हैवी नहीं होती, लाइट वेट सी होती है। तो मैं अपने फ़ोन से जो मेरा ये वाला फ़ोन है, तो ये जो मेरा ये वाला फ़ोन है ये भी थोड़ा सा हैवी है, तो मैं इसको लेके भी मैंने बहुत सारी राइड की है, मेरे को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मतलब मैं आपको लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि इससे महंगा चेस्ट माउंट आप मत लेना, ठीक है, अगर बाकी आपकी मर्जी है। तो इस चेस्ट माउंट के साथ 2-3 चीज़ें और आती हैं जो आपको ऑर्डर नहीं करनी पड़ती। इसके साथ आया था एक ये होल्डर, ये वाला, ठीक है, बट अब ये नहीं मिलता, मैंने बहुत अमेज़ोन पर भी चेक किया था, ये वापस नहीं मिल रहा था मुझे, ठीक है। तो इसमें ऐसे कुछ पोज बने हुए होते हैं जिसमें यहाँ पर जो दूसरे वाले ये वाला जो एक जो स्क्रू दिया होता है उसमें फिट होता है इसके स्विच में यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अभी करते हैं अच्छे से, इसको असेंबल करते हैं। तो इसको सेटअप करने के लिए बहुत इजी है, ठीक है, पर मैं इस जो मोबाइल होल्डर है इसकी भी मैं एक चीज़ बता दूँ। तो ये मोबाइल होल्डर है जो आजकल के जो चेस्ट माउंट आ रहे हैं ना, तो उसमें ये मोबाइल होल्डर नहीं मिल रहा, और जो चेस्ट माउंट आ रहे हैं उसमें अब हैवी जो होल्डर होता है ना वो आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे, मैंने उसको यूज़ नहीं किया पर मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा वेट करेगा ज़्यादा, मतलब उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये वाला और यही चेस्ट माउंट लें जो आपके बजट में भी आ जाए और आपको ठीक भी लगे, ठीक है। और बाकी आप देख लेना, अगर आपको ठीक नहीं लगेगा तो बाद में आप चेंज कर लेना, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि हम एक ही बार लें तो बाकी आपकी मर्जी। तो इसको सेटअप कैसे करना है, बहुत ज़्यादा ईजी है, जैसे चम्मच से उठा के खाना मुंह में डालना चाहिए वैसे ही होता है ये भी। और इसको सेटअप करने का बस एक तरीका, इसको यहाँ से इस क्लिप को इसी से यहाँ पर ये लॉक हो चुका है, अब ये नहीं निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको उसको ऐसे प्रेस करोगे, यहाँ पे प्रेस करोगे ना इसे आप यहाँ पे, तो इसको प्रेस करके निकल जाएगा। बाकी आप इसको यहाँ पर लगाओगे,
इसको अपने चेस्ट माउंट से नहीं अपने जिंदगी से चिपकाना होगा दोस्त। जल्दी जल्दी इसकी केयर भी करनी होगी वरना ये खराब भी हो सकता। अब जो ये होल्डर है इसकी जो ये जो क्लिप्स हैं इसमें ये लगेगा आराम से। और जो मैंने आपको बताया था कि दूसरा वाला होल्डर जो इसके साथ मिलता है ना मोबाइल होल्डर, जो दूसरे वाले जो बड़ा वाला जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है थोड़ा सा महंगा भी है, पर उसमें आपको अटैच करने के 2-3 क्लिप और ऐड करनी पड़ती है। इसमें एक सिंपल सा फंडा है, खाना रोज एक अंडा है, तो कोई बात नहीं। इसको यहाँ पर कैमरा मैन थोड़ा सा पास, तो जो ये स्विच में यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे। और जो ये यहाँ पर एक स्क्रू दिया है उस जो ये वाला स्क्रू था, अब इसको हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ये जो चेस्ट माउंट है ये पूरा सेटअप होने के बाद ऐसा लगता है, और जो इसको आप फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसमें ये लगा है ये मैंने अलग से ऑर्डर किया हुआ है, तो इसके भी अभी बताऊंगा इसके क्या फ़ायदे हैं। मैं इस चेस्ट माउंट में यहाँ पर 2-3 क्लिप्स और दे रखी है जिससे आप अपना साइज़ मेंटेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जितना आपको फ्रेम रखना है यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है, चेस्ट पर रखना है। और इसको पहनने का सिंपल फंडा है, एक बता देता हूँ इसको ऐसे करके, तो इसको ऐसे डालने का। और यहाँ पर एक ये लॉक दिया हुआ है, और इसको यहाँ पे कैमरा मैन थोड़ा पास आए, तो यहाँ पर ये लॉक हो चुका है। ये मैंने अपने साइज़ के हिसाब से इसको एडजस्ट कर रखा है, ठीक है। बाकी जो ये है ये अपने आप फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट करो, क्योंकि बाद में क्या होता है कि जो अब मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी कि इसको रियल यूज़ कैसे करें राइड में अपने साथ के लिए, क्योंकि राइड में क्या होता है बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम चेस्ट माउंट लगा लेते हैं, फ़ोन लगा लेते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर बाद में पता नहीं चलता, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा राइड करते हुए इस चेस्ट माउंट के साथ। अभी इसके बाद थोड़ा सा एक टेस्ट राइड रहेंगे, फ्रेम रेम चेक करेंगे। अब आ जाते हैं इसकी बात करते हैं। ये जो क्लिप है ये बिछड़ा हुआ परिवार था इसका, तो मैंने परिवार को हमने मिला जुला के इस बच्चे को पूरा कर दिया, जो बचपन में इसके साथ नहीं आया अपनी फैमिली के साथ। कोई बात नहीं, हमने इसको ढूंढा और इसको पूरा करा। तो इसको इसके लगाने के फ़ायदे मैं बताता हूँ क्या है। इसको अलग से लेना पड़ता है, वो मैंने ज़्यादा टाइट कर दिया तो वो खुल नहीं रहा है। बट इसका जो फ़ायदा है वो आपको शॉर्ट वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा मज़े करेगा। और ये मैं बताता हूँ कैसे। देखो इसको यहाँ से खोलना वापस से, तो आप सीधा आप अपनी नॉर्मल वीडियो शूट करेंगे, जैसे कि आपको यूट्यूब के लिए शूट करनी है, ठीक है। आप कोई फिल्म मेकिंग कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। जो ये होल्डर है इससे तो आप अपनी नॉर्मल वीडियो शूट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, थोड़ा सा अजीब सा लगता है इसको लगाने पे, पर जो क्रिएटर है वो कर लेता है। और मुझे पता है, मैं भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं भी चला जाता हूँ वैसे ही। जैसे कि अगर मेरे को लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर सिर्फ फ़ोन लगाता हूँ और वीडियो ऑन रहती है, और बाकी मैं अपना काम करता रहता हूँ। तो ये इसको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ वीडियो ऑन करके रख देना है, बाकी आप अपना काम करो, ये आराम से शूट करता है। तो ठीक है, जो अब बात करते हैं इसकी, जो अपने परिवार से बिछड़ गया था, हमने मिलाया है बड़ी मुश्किल से इसे, तो इसकी बात करते हैं। तो इसका भी एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आजकल जो ट्रेंड पे चल रहा है शॉर्ट्स वीडियो बनाने, अगर आपको रील्स बनानी है साइकिलिंग पे और राइड करते हुए, तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसको यहाँ से खोल के, तो ये ऐसे खुल गया। और यहाँ पर ये जो क्लिप लगाई है, ये यहाँ पर एक होल है जिसमें स्क्रू लगता है, ऐसी सेम जैसे ये स्क्रू लगने वाला एक होल होता है, तो यहाँ पर वो सेम है। तो इसमें ये लगाया है, 250 का पड़ा था मुझे शायद ये, या फिर 200 का। तो इसको वापस यहाँ पर इसको वापस ऐसे लगाएंगे, और ये सिर्फ इसका फ्रेम चेंज हो चुका है, ठीक है। और इसको फ़ोन को उठाओ, और अब ये फ़ोन ऐसे लगेगा, ठीक है। अब ये फ़ोन ऐसे लग चुका है, और अब जैसे हमने वैसे इस पर लगाया था नॉर्मल, तो फ़ोन ऐसे हो जाएगा। तो इसको भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं ऐसे में, तो ये दोनों चीज़ में काम आता है। जो ये पीछे जो होल्डर लगा है, ये दोनों चीज़ में आपके काम आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हो और ऐसे भी रोटेट कर सकते हो, पर जो ये वाला फ्रेम है मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसी से वीडियो बनाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट है और थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का भी है ये। तो क्योंकि ये वाले जो होल होता है ये थोड़ा टाइट नहीं होता, एंड इसको निकालते हैं और जो नॉर्मल वीडियो वाला होता है उसमें शूट कर। तो हमने वापस इसको नॉर्मल में स्विच कर दिया है, अब इसमें फ़ोन ऐसे लगेगा,
आप उसमें भी कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा डर है कि स्क्रू अगर ढीला हो गया तो निकल भी सकता है, और इसको इसको टाइट करके अपने हिसाब से आप फ्रेम चेंज करें, कैमरामैन थोड़ा पास आए। और ये देखो अब यहाँ पर ये फ्रेम अब लग चुका है आराम से, ये शूट हो रहा है, मेरे दोनों हाथ यहाँ पर देखो जो कैमरे में दिख रहे होंगे। अगर मैं कुछ काम भी करूँगा तो आराम से ही काम चलता रहेगा और शूट भी चलता रहेगा, तो इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे अपने हिसाब से। देखो अब आपको फ्रेम यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, देखो फ्रेम जहाँ पर भी आपको शूट करना, अगर नीचे का शूट करना है तो आप आराम से नीचे, आप अगर कुछ काम कर रहे हो तो आराम से आप शूट कर सकते हो, ठीक है। ऊपर करके अच्छा सा फ्रेम लेके एक बार आप टेस्ट राइड ले लेना, एक बार आप साइकिलिंग करोगे ना जब या राइड पे किसी जगह, तो आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार टेस्ट राइड ले लेना, देख लेना फ्रेम कैसा आ रहा है, उस हिसाब से आपको इसको एडजस्ट करके और अच्छी वीडियो शूट करनी होगी। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा वॉक करके बाहर जाता हूँ और शूट करके देखता हूँ। तो मैंने चेस्ट माउंट लगा दिया है यहाँ पर और मैं वॉक कर रहा हूँ, और ऐसा गेमिंग वीडियो भी आप शूट कर सकते हैं इससे। हाँ बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं जब आपके पास चीज़ें आती हैं, तो गेमिंग वीडियो भी यहाँ पर गन वन दिखा के आराम से। नमी नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। थैंक यू। आप बहुत दिनों में व्लॉग बना रहे हैं, बहुत दिनों में बना रहा ना? नहीं बहुत दिनों में नहीं बना रहा, वो थोड़ा साइकिलिंग का चल रहा है ना, चेस्ट माउंट का रिव्यू चल रहा है यहाँ पे, मैं राइडर्स की मदद करूँ। तो यहाँ देखो अब ऐसे करके आप आराम से शूट कर सकते हो आपके हाथ, ठीक है। आप यहाँ पर बैठो, क्योंकि देखो राइड के तो काम आएगा ही आएगा, बाकी आप जैसे अभी कहीं राइड करने के बाद कहीं रेस्ट भी करोगे तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आराम से आप बैठ जाओ और ये शूट होता रहेगा, आप कुछ खाओ पियो। देखो यहाँ पर कुछ रखा है टेबल पे, तो कैमरा एडजस्ट करके यहाँ पर अगर कुछ करना है, जैसे कि अब इसमें कुछ करना है तो ये शूट होता रहेगा। जैसे आप कुछ टेबल में कुछ करना है, अगर मेरे को ये फ़ोन उठाना है तो आपको एडजस्टमेंट नहीं करना, आपने आपको फ़ोन हाथ भी नहीं लगाना, अपने चेस्ट माउंट में अगर रिकॉर्ड हो रहा है आराम से आप इसको उठाओ, दिखाओ ये मेरा छूट गया था, या फिर कुछ भी है। राइड में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे अब ये बॉटल है, अब इसमें पानी भरना है, इसको खोलो, टंकी खोलो, पानी भरो, जिंदाबाद रहना बिल्लो यार। यहाँ अपना वही जो राइड वाला फ्रेम होता है उसको सीधा करो और राइड कंटिन्यू। तो वापस अपने रूम में आ चुके हैं, तो ये कुछ ऐसा लगता है पहनने में, अगर आप एक हाथ से शूट करोगे तो ठीक है, अपने आपको जैसे अपने ब्लॉगिंग करनी है साथ में, तो जैसे मैं करता ही हूँ राइड में भी, ठीक है। क्या पता हम आगे कुछ राइड करें, कुछ प्लान्स तो हैं दोस्तों के साथ, वो आपको आगे ब्लॉग में मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने ज़रूरी है, ऐसे ऐसे ब्लॉग आपको मिलने चाहिए, ठीक। तो मेरी टोपी बहुत बड़ी है तो पीछे से दिखेगा नहीं ना, टोपी पहननी पड़ेगी और पीछे से कुछ ऐसा दिखेगा ये। तो इस चेस्ट माउंट को यूज़ करते हुए एक छोटी सी राइड लेते हैं यहीं पे, सोसाइटी के अंदर घूमते हैं थोड़ा चेस्ट माउंट लगा के, और आप भी देख लेना फ्रेम कैसा आ रहा है, ठीक है। और बाकी चीज़ मैं अभी बताता हूँ राइड करते। तो मैंने चेस्ट माउंट लगा लिया है और अपने पास है आज दो साइकिल, एक ये वाली है, ठीक है, और ये वाली है जो अपनी राइड के लिए काम आती है। तो इसको निकालते हैं बाहर, जिसको इसका नाम नहीं पता, इसका नाम है चीता, एंड हम हर राइड इसी से करते हैं। ये मेरे दोस्त की साइकिल है, ये वाली जो ये ब्लू वाली मेरे दोस्त की साइकिल है, थैंक यू, वो देता रहता है मुझे साइकिल राइड करने के लिए, जब मेरा भाई और मैं जाते हैं साथ में तब ज़रूरत पड़ती है। अब इस चेस्ट माउंट के बहुत फ़ायदे हैं, आप देखो अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा, फ़ोन नहीं पकड़ना पड़ रहा, कुछ नहीं, अब फ़ोन लगा हुआ है और सारा काम मैं खुद कर रहा हूँ और फ़ोन आराम से शूट कर रहा है, बाकी आप जो चीज़ें नहीं डालनी वो डिलीट कर सकते। फ्रेम चेक करके अपने हिसाब से इसका साइज़ एडजस्ट कर लेना, साइज़ एडजस्ट करने से ही फ्रेम आपको पता चलेगा, ठीक है। बाकी आप अपने वहाँ से प्यारी प्यारी वीडियो शूट करें और अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करें यूट्यूब जैसे। तो इसका फ्रेम आप चेक कर लेना कैसा आ रहा है, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से इसको सेट किया हुआ है और यहाँ से घुमाते हैं वापस, अभी मैं पैंडल पे खड़ा हो रखा हूँ और अपनी सीट पे बैठ चुका हूँ आराम से। तो ये चीज़ भी देखनी होगी और बार बार आप अपने वीडियोस को चेक भी करते रहें कि कैसे शूट हो रही है, थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ छोटा सा टेस्ट था एंड अब चलते हैं सीधा घर, और
ब्लॉग को एंड करने का समय आ चुका है और कुछ चीज़ें भी घर पे जाके बताता हूँ। बाय। तो जैसे ही आपने देखा जब मैंने साइकिल बाहर निकाली घर से, ठीक है, तो मुझे किसी एक्स्ट्रा ट्राईपोड की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सीधा साइकिल उठाई और निकल गई। अपना चेस्ट माउंट जो लगा हुआ था आराम से अपना काम कर रहा था, ठीक है, और अपनी वीडियोस को एक बार चेक भी कर लेना निकलने से पहले कि वीडियो ऑन है। कभी कभी नहीं होती, जो इसके जो फ़ोन की जो नोटिफिकेशन साउंड होती है उसको ऑन कर लें, जैसे कि आप जब वीडियो क्लिक करें तो आवाज़ आ जाए तो आपको पता चल जाए। और फ्रेम अपना चेक करके रखना, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। इसको चेस्ट माउंट को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि उसके यूज़ करने के भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं, ठीक है। आप गलत शूट ना करो, इसलिए हम हैं, ठीक है, और अच्छी अच्छी वीडियो शूट करें और हमें शेयर करें, जैसे कि हमें पता चले इंस्टा पे DM करके कि आप तक हमारी वीडियो पहुँच चुकी है और आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस चेस्ट माउंट का भी सही इस्तेमाल करें। थोड़ा सा अपना माइंड लगाना होगा हर चीज़ में आपको, ठीक है, और बाकी आपके जो आपको जो अलग अलग किसी जगह पर ट्राईपोड लगाना पड़ता था, क्योंकि उसको अलग फ्रेम से भी शूट करना पड़ सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी करो, पर इस चेस्ट माउंट से भी अच्छा शूट हो रहा है, आराम से आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सब कुछ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई गाइस एंजॉय दिस ब्लॉग, ऐसे अपने भाई को सपोर्ट करते हो, तो मिलते कैसे ऐसे ब्लॉग में। एंड अभी मैं अपने मिलवाता हूँ कैमरा मैन से, जो जिसने कैमरा पकड़ा था अभी, उससे मिलवाता हूँ, फिर इस ब्लॉग को वहीं पर एंड करें। तो जो हमारे कैमरा मैन थे वो प्रस्तुत हो चुके हैं, ठीक है। भाई है छोटा, बताता है, अरे बताना पड़ता है बार बार, नए व्यूवर्स आते हैं उनको बताना पड़ता है। तो मैं छोटा भाई हूँ, हाँ बोले। और ये 5th class में है अभी और जल्दी बड़ा होगा, ठीक है। तो मेरी हाइट बढ़ गई है, हाँ दाढ़ी मुझे आगे ग्रोथ हो गई है सही से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई गाइस एंजॉय दिस ब्लॉग, ऐसे अपने भाई को सपोर्ट करते हो, तो मिलते कैसे ऐसे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।